Hello friends, I'm Dr. Fasil and you are watching my channel Crazy Gardening. Friends, today I was visited my backyard, so I see that all the plants are very healthy, but my croton plant is not looking well, healthy, and the leaves are shedding. So I thought ke kya reason ho sakta hai is cheez ke piche. To maine bahut zyada inspect karne ke baad isme kuch interesting fact paya. और दिखाता हूँ कि क्या वजह है कि ये मेरा प्लांट इतना घना होने के बाद भी इसकी लीव्स हेल्दी नहीं है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसकी लीव्स जो है ये काफ़ी अच्छा सा काफ़ी लीव्स है, बट ये घना नहीं है। और दूसरी बात इसमें क्या है, जो भी यहाँ से ये इसके स्टेम से लीव जैसे ही निकलती है और इस तरह से ये येलोइंग होती हैं लीव्स, और येलो होने के बाद जो है वो नीचे गिर जाती है। तो मैंने काफ़ी इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है, और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये मेरा प्लांट जो है ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा। पहले मैं अपने इस पॉट में जो ये मेरा प्लांट लगा हुआ है, पहले मैं इसको अनपॉट करूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों नहीं ये मेरा प्लांट जो है ग्रो कर रहा है। फ्रेंड, इसका ये रीज़न देखने के लिए कि प्लांट में इतनी ढेर सारी लीव्स हैं फिर भी हम हेल्दी हैं। अब मैं इसमें से इसकी जो ये रूट बॉल है उसको अलग करता हूँ, और जो मैंने फैक्ट पाया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस वजह से ये मेरा प्लांट की जो रूट्स है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रही हैं, और उसकी वजह से प्लांट भी रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ऊपर फर्दर ग्रोथ के लिए। तो आप बने रहिए ये देखने के लिए कि आखिरकार रीज़न क्या है इस प्लांट में कि ये प्रॉपरली जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड, मैंने इसके रूट बॉल को अलग कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ एक बकेट में ये पानी है रखा हुआ, मैं इसको पानी में डाल देता हूँ और अच्छे से इसको इसकी जो रूट बॉल है उसको वॉश करता हूँ। देखते हैं, दिखाता हूँ आपको जो रीज़न है इसके पीछे। फ्रेंड, दिखा आपको कुछ, यहां ये एक बकेट लगी हुई है, ये देखिए आप, ये एक बकेट लगी है, यानी कि टोकरी है एक प्लास्टिक की, और इस टोकरी का यूज किया जाता है, यानी कि इसका ये मतलब है कि ये प्लांट जो है स्टेम कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और ये आप टोकरी देख सकते हैं। तो मैं इस टोकरी को रिमूव करता हूँ और फिर मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड, आप अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, आपने अभी नई नई गार्डनिंग ही स्टार्ट की है, तो जब आप प्लांट को रिपोर्ट किया करें तो उससे पहले आप ये देख लिया कीजिए कि इस तरह के जैसे क्रॉटन्स हैं या फिर एग्लोनीमा की बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं, या फिर बहुत से अदर प्लांट हैं जिनको कटिंग से ग्रो किया जाता है, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में डबल चांदनी को कवर किया था, तो उन मोस्टली उन प्लांट्स को जो है इस तरह की बकेट होती है, उसमें कुछ रूट हॉर्मोन्स डाल के इस तरह की बकेट में इनको ग्रो किया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब वो प्लांट अच्छे से चल जाता है तो जो माली लोग होते हैं वो डायरेक्टली इस बकेट के साथ ही उसको जो है बेचना स्टार्ट करते हैं। तो जो गार्डनर्स होते हैं उनको मोस्टली ये बात पता नहीं होती कि ये बकेट में ग्रो किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं प्लांट को बहुत ज़्यादा देख करके लगाता हूँ, लेकिन बस किसी वजह से ये प्लांट रुक गया और देखिए इसकी जो है ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो गई। तो मैं फिलहाल इसको जो है इस बकेट को बहुत ही ध्यान से काटता हूँ, इस तरह से काटूंगा कि इसकी रूट बॉल जो है वो डैमेज ना हो, सिर्फ ये बकेट एरिया ही ये बकेट को मैं रिमूव करता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको बकेट रिमूव करने के बाद कि प्लांट किस तरह से दिख रहा है। फ्रेंड, देख सकते हैं कि मैंने ये जो बकेट है ये प्रॉपरली रिमूव किया है, ये देख सकते हैं आप, और अब ये रूट बॉल भी अलग हो गया है। लेकिन आप नए गार्डनर हैं तो थोड़ा देख करके कीजिए, लेकिन मुझे पता है कि इसको किस तरह से रिपॉटिंग करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्लांट अब अच्छे से सर्वाइव करेगा, और जब ये प्लांट को मैं रिपॉट कर लूँगा तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड, ये यहाँ मैंने अपना जो मेरा सॉइल मिक्सचर था मैंने उसको मिला लिया है, मैं इसको परफेक्टली अलाइनमेंट में इस प्लांट को रिपॉट करता हूँ। तो फ्रेंड, कभी भी आप अगर बिगनर हैं या आपने एक साथ कई प्लांट खरीद लिए हैं,
तो उम्मीद यही है कि आप थोड़े थोड़े प्लांट को करके रिपोर्ट करें, और उन प्लांट्स में ये जरूर ध्यान रखें कि उनमें इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्टेड एजेंट तो नहीं है प्लांट पे लगा हुआ जो कि फर्दर ग्रोथ को जो है रिड्यूस करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन्हीं बात का इस इन सब चीज़ों का इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।